हमारे बहू बेटन का इससे सपोर्ट कर जा अपने पंचे। दोस्तों मम्मी के लिए लाए हैं साड़ी। खुशी देखो खुशी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम दोनों भी बढ़िया हैं। हाँ लीलू, हाँ हम लोग क्या है कि लीला की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, पर अब लगभग लगभग सही हो गया है। यस। और अभी हम लोग कहाँ हैं लीला? हम हैं अपने ससुराल, यानी ये अपने घर और हम अपने घर। पीछे साइड देख सकते हैं जो ये घर बना है और हमारी मम्मी आ रही हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग अपने घर में ही हैं। ये हमारी मम्मी काय भगी जा रही है। मम्मी पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले बताई पकड़ ले बताई अरे पकड़ ले बताई ना पकड़ पकड़ ले। हाँ आ गई, हमारी मम्मी भी आ रही हैं। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम अपनी मम्मी को आपको अपने ब्लॉग में ला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी मम्मी बोली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुबह सुबह सबसे पहले बोला पड़ा था गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, हम हमारे बच्चे के बिंद क्षेत्र के बघेली में सबसे ज्यादा बोला जाता है राम राम। हमारी मम्मी बोली अपना वजन से राम राम। अरे राम राम बोलने में का दिक्कत है? ए पकड़ अच्छे से बोला ना बताइए। क्या कही? राम राम। राम राम, नमस्ते। और बता दे कि ऐसे ना है हमारे लड़के का सपोर्ट करत रहे। हमारे बहू बेटन का इससे सपोर्ट करत जा अपने पंचे साथ दे। हाँ तो अपनो मम्मी बहुत शर्मा रही है। हाँ तो अपने पचे समझ गए हो कि हमारी मम्मी का चाल लगी, ठीक है ना? दोस्तों हम अपने मम्मी के लिए लाए हैं छोटा सा गिफ्ट जो कि मम्मी को देंगे। आप लोग देखिएगा कि गिफ्ट क्या है। जाओ ले अंदर से। तो मान ले कि कल जब हम शाम के लौटे सीधी से ना, तो कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके आ रहे हैं मम्मी खाते, तो वो का आया अभी हम दिखाई लगे, ठीक है ना? हालांकि कुछ ऐसा ना चीज़ है जो उनकी हर लेडीज का सबसे ज़्यादा पसंद आवा था, सबसे पहली इच्छा होती कि हम कहीं है मिला चाहिए वह चीज है। वह भाई दोस्तों मम्मी के लिए लाए हैं साड़ी, ये हम मम्मी के लिए, और एक और है जो कि हमारी बूढ़ी दादी है उनके लिए भी है। ये क्या है ना कि हमारी बूढ़ी दादी साड़ी नहीं पहन पाती है, हालत खराब है, तो इसलिए मैक्सी लाए हैं। तो चलिए उनको भी दे देते हैं। तो मम्मी कैसा लग साड़ी अपना? अच्छी ही, कलर अच्छी है। ये साड़ी देखा है माही, थोड़ी सस्ती लागत थी पर नहीं को, ये 450 की है, बहुत अच्छी है। अच्छी ही ना देखे मैं, भले सिंपल लगा थी, कहे से कि सिंपलो साड़ी महंगी होती हैं, अलग अलग क्वालिटी की होती हैं। हाँ कहा है कि हमारे मम्मी सिंपल साधारण पहना थे, यह से ही हमें सिंपल लाए हैं साड़ी, और मम्मी को पसंद आई, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है। चलो वो वाला दादी दे लाए, ठीक है ना? हाँ, हाँ, चलो मम्मी उन्ट, 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 उन्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, आइए बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम दादी को एक इसे पहना कर दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाएंगे अपनी दादी को। दोस्तों हमारी दादी ऐसे हालत में है, इसलिए इनके लिए मैक्सी लाए थे। तो कैसी लगी दादी, आराम मिला था पहन के? बढ़िया है, लंबी ही है साड़ी, नहीं आई है मैक्सी। अब ठीक है ना जी? बढ़िया, लंबा बड़ा तो है। हो ये हम ही लाने बड़ा साइज का ना? हाँ वो सही है, इतने बड़े होते हैं। दादा जी का पहरा बाते ने, तो अपना बच्चे कैसा लगा ये सब अपने बच्चे कमेंट में बताई हम का एक बार हम लीला। हाँ आराम से बैठना, आराम से बिल्कुल ऐसे आस्ते। ये उड़ी में जटा पहरा दी मिली। छोटू जगह लग जाएगी गर्मी में। खुशी देखो खुशी। उड़िया का पहरा दी हमको बरात जाए।
आज करावे लायक है कि नादी काफी ज्यादा खुश हूं बिट्टी हंसी नहीं रुक लायक नीक लगा तो नीक लगबे न करी लगला बोलना ना नीक लगी अद्भुत काती बारात बजाए लायक है अभी हम नहाने जा रहे हैं फिर इसके बाद फिर खाना पीना बनाने के बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों तो चलिए ठीक है। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर मार्केट क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी जंगली एरिया है तो यहाँ मार्केट नहीं है और हमें जाना पड़ता है मार्केटिंग के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैदा और कराए लेने के लिए क्योंकि समोसा बनाना है। तो ये देख लीजिए हमारी दादी, दादी आजिया, हम बता दें कि हम दादी नहीं बोलते, हम आजी बोलते हैं। आजी हाथ मिलाओ। वो दादा रे तो नहा कर भी आ गए हैं। हाँ बहुत सुंदर लगता है बिना मेकअप के। तो अब हम जो लाए हैं जानते हैं खड्डी समोसा खाते वाले मैदा और कराए ठीक है और इन्हें जिक्र किया तो कुछ टाइम से आए थे तो मिले थे ठीक है। हाँ हाथ मिलाओ दोस्तों। ये हमारी ननद है जो कि सूरत से आई है, डायरेक्ट सूरत से हमारे घर आ रही है तो अभी पानी उतारने आए हैं। ये हमारी दीदी हैं और इनके छोटे मोटे बच्चे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ एक ये रस्म होती है कि ननंद और भांजे इन सब का पैर पड़ा जाता है लेडीजों को। तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है अभी। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वापस घर और हमारे साथ ही आई हैं हमारी दीदी। तो अभी आप लोगों ने देखा ये सब कैसे एक दूसरे से मिले हैं और कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एकदम लग रहे हैं ना गांव वाली औरत। और आज क्या बनी? समोसा। आज हमारे घर में बने वाला है समोसा। तो हम दिखाओ अपने का आगे अपना हमारे वीडियो में लगातार बने रहे। दोस्तों अभी हमारी दादी खाना खा रही है। खाना में क्या है? काई सब्जी है या सब्जी है? अरे कोहना नहीं आए, आलू प्याज के सब्जी है, आलू प्याज का और रोटी। तो कैसा लग रहा है खाना पीना? बढ़िया है। नहीं कहा भूख लगी है, खा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ बन रहा है समोसा और हम अलग अलग प्रकार के समोसा बना रहे हैं। ये भी समोसा है, ये भी समोसा है और वो भी समोसा ही है, लेकिन सभी समोसा अलग अलग डिजाइन के हैं जो कि मैंने नहीं, मेरी छोटी भाई ननंद ने बनाया है, बस मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले लीला परिचय करवा इनके को बैठ लगे हैं। ये हमारे छटकी है ननंद के ही बड़की है बिटिया, हमारे भाई नहीं, ये हमारे बड़की है जेठानी की बड़की है बिटिया बेटी, ये हमारे बड़की है ननंद सीमा दीदी। अरे ये बड़ा समोसा बना ही रहा हो। अरे अलग अलग डिजाइन के हो। हाँ दे देखा एकदम लंबा लंबा गोल गोल।
दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा फैमिली ब्लॉग ऐसे ही डेली आएगा और आप लोग प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।